नवे कपड़े नवे बूट अते रीबोक दी कंपनी दा झोला मोढ़े ते टंगी जगसीरत जमात विच दाखल हुंदा। कुंडियां मुच्छां बलां वाली पग मत्थे बट पाई हाथ दा इशारा करदे हुए मास्टर, हाँ भई किधर मुँह चुकिया? जगसीरत घबरांदा होया, सर मैं डेस्क ते पिछे बैठी मंडीर उच्चा हसदी है। मास्टर अख दी घूरी नाल तकदे हुए, कौन है तू? जी मैं जगसीरत, अज मेरा पहला दिन है, मैं दूर दे पिंड करतारपुर तो होस्टल विच रह रहा इत्थे। मास्टर बाज दी अख नाल घूरदे हुए, वेख काका मेरा सुभाव बहुत कब्बा, अज तां छड़ता, अगे तो ध्यान रखी, मेरे असूल बड़े पक्के ने। वह जगसीरत नूं अंदर आउण लई कहिंदे ने। जगसीरत सिर हिला पहले डैस्क ते जा बहिंदा। मास्टर किताब दे पन्ने पलटदा होया चाक नाल ब्लैकबोर्ड ते कुछ लिखदे हुए बच्चियां नूं लिखण लई आखदा। जगसीरत जो कि काल विच पेन भुल आउंदा इधर उधर देखदा। नेड़ले डैस्क ते प्याजी रंग दा सूट पाई बैठी एक मुटियार कुड़ी जगसीरत नूं पेन फड़ाउंदे मुस्करा के मूँह परले पासे घुमा लैंदी है। जगसीरत मास्टर तो अखां चुरा के पेन फड़ लैंदा। क्लास खत्म करन मगरों जगसीरत होस्टल दे वार्डन दे दसे मुताबक 3 नंबर कमरे विच जांदा है। बैड ते लम्मियां ताणी पक्के रंग दा एक सरदार मुंडा गुरतेज जो कि नेड़ले पिंड दे सरपंच दा मुंडा है बोलदे हुए, हाँ बई लंघ आ। जगसीरत, ये मेरा कमरा। हाँ बई मेरा भी यही हुई है। एक गोरे रंग दा पंडतां दा मुंडा किरत अंदर दाखल हुंदा है ते उच्ची आवाज़ विच बोलदे हुए, हाँ बई अपना भी यही है। जगसीरत, एक कमरा 3 बच्चियां नूं किवें? हाँ जी इत्थे एवें ही रहिंदे ने सारे, किरत बोलिया। पहली रात जगसीरत नूं नींद नहीं आउंदी ते ओह खेस दी बुक्कल मारी कमरे विचों बाहर आ के बनेरे कोल खलो जांदा ते अपने दादे दे कहे आखरी शब्द, पुत 3 भैणां तेरियां, प्यो भी नशियां ने खा लिया, तू ही पढ़ लिख के वड्डे दफ्तर की नौकरी लग के इन्हां कुड़ियां दे विआह करने ने। याद करता है ते लगन नाल पढ़ाई करन दा निर्णा करता है। सब कुछ ठीक चल रहा हुंदा है ते अचानक 1 महीने दे बीतन मगरों एक शाम होस्टल दे कमरे दा दरवाजा खड़कदा। जगसीरत बोलदा, हाँ बई केड़ा है? किताब नूं हथ विचों हेठा रखदे हुए जगसीरत दरवाजा खोलदा। कालज दा एक चौकीदार जगसीरत हथ लिफाफा फड़ाउंदे हुए, आसमान गुरतेज होरां दा है, नाले आखी हुण रिस्क वध गया, काम करवाउण दे पैसे भी ज़्यादा लग्या करनगे। जगसीरत लिफाफा गुरतेज दे बैग ते धरन ही लगदा है कि इन्ने नूं ओह अंदर आ पड़दा है। दे गया समान सेवक, किरत कढ़ फिर घुट घुट ला लईए। गुरतेज दे हथ शराब की बोतल वेख के हैरान होया जगसीरत बोलदा, ना बई ये बहुत गलत है। किरत उसकी गल विचाले कटदा होया, ओह तू घुट ला तां सही, स्वर्गां दे झूठे आउणगे। किरत नूं गिलासां विच पाउंदे वेख के जगसीरत, ना बई भाइया कहिंदा ये बुरी चीज़ हुंदी है, पहलां इसने साडे तों मेरा बापू खो लिया। ओह किधरे नहीं कुछ हुंदा, धक्के नाल गुरतेज उसके बुल्लां नूं लांदे होए बोलदा। जगसीरत घुट भरदा होया, ओह ये तां निरी जहर है, ओह तू वेखी तां सही नज़ारे आउंदे, किरत बोलदा। कदों दिन चढ़ गया किसी नूं भी पता ना लग्या। अगली सवेर फिर इदां ही होया, ना बई अज नहीं, जगसीरत बोलिया। ओह असीं किहड़ा तेरे तों पैसे मंगदे आ, पी लै, गुरतेज गिलासां विच पाउंदे होए बोलिया। इस तरह दिनों दिन इंज होण लगा ते गुरतेज भी शराब दा आदी हो गया। फिर इम्तिहानां दी एक शाम जदों जगसीरत पढ़न लगा तां गुरतेज उसनूं कंटीन जाण लई जोर पाउंदा। जगसीरत, ना बई मैं पढ़ना, मैं पढ़ के वड्डे दफ्तर दी नौकरी करनी है। ओए कोई नहीं, मेरा प्यो सरपंच है, मैं आपे लवा दूं तेनूं नौकरी, गुरतेज बोलिया। ओ सच्ची भाई? बिल्कुल सच्ची। जगसीरत दो चित होया कंटीन वल नूं तुर पैंदा। इस तरह जगसीरत अपनी पढ़ाई नूं हल्के विच लैण लग जांदा ते दिन दा बहुता समां मस्ती करदिआं जां कंटीन विच गुजारदा। उसदा अपने इम्तिहानां प्रति कोई ध्यान नहीं रहिंदा। अगली सवेर रिजल्ट दा दिन है। अज रात जगसीरत नूं नींद नहीं सी आ रही, वह बड़ी मुश्किल नाल रात लंघाउंदा। सवेरे वार्डन मैडम जगसीरत दे कमरे विच दाखल हुंदे होए, जगसीरत तैनूं अंदर दफ्तर विच डायरैक्टर सर ने बुलाया। जगसीरत घबरा के उठता है ते दौड़ के दफ्तर वल नूं जांदा। जगसीरत दफ्तर अंदर दाखल हुंदा होए, हाँ जी सर, तेरे भाईए दा नंबर दस।
सर उच्ची गर्ज विच बोलदे हन। जगसीरत, क्यों जी? आवाज़ होर उच्ची हो जाती है, जो क्या वो कर। जगसीरत नंबर दसते हुए फोन की घंटी बजती है, भाइया फोन चुकता है। तुहाडा मुंडा फेल हो गया जी, असी इसनू कॉलेज तो कढ रहे हां, डायरैक्टर सर बोलते हैं। ये सुन के जगसीरत के पैरां हेठों जमीन निकल जाती है। डायरैक्टर सर वार्डन नू आखदे हन कि जगसीरत नू अज शाम वाली बस राही घर भेज दिता जाए। जगसीरत उत्ते दुखां दा पहाड़ टुट पैंदा है अते ओ बिना किरत ते गुरतेज नू मिले पिंड की बस चढ़ जाता है। राह विच उसनू भाईए दीआं गल्लां याद आउंदीआं हन कि हुण ओह वड्डे दफ्तर की नौकरी नहीं कर सकेगा, अते सोचदा है कि जा के भाईए दे पैरां नू फड़ लवांगा ते कहांगा कि भाईआ एक मौका होर दे दे। बस अड्डे ते पहुँच जाती है, पर जगसीरत खिड़की च खड़ा अजीब कशमकश विच डुब्बा हुंदा है। उसके अंदरले विचार आपस में खह रहे हुंदे हन। कंडक्टर उसके कन्न कोल आके सीटी मारदा है ते उसनू उतरन लई आखदा है। जगसीरत अखां दे हंझू लोकां कोलों लुको पिंड वाली गली मुड़ जांदा है। उस सारे राही अपने आप नाल गल्लां करदा तुरिया जांदा है। घर दे बाहर इकट्ठ वेखदा है ते भज के अंदर वड़दा। वह वेखदा है कि उसकी माँ उच्ची उच्ची रो रही हुंदी है। जगसीरत घबराहट विच पैर अगे पुटता होया, की होया बेबे, की होया? निक्की भैण भज के आउंदी है, वीरे कोई फोन आया सी, वह सुन के भाईया हेठ डिग पिया, डॉक्टर कहिंदा हार्ट अटैक होया है ते ये मर चुका है। ये सुन के जगसीरत सुन हो के धरती ते डिग पैंदा है।